भारत शुरू किया, बरौनी रिफाइनरी में एक नया यूनिट लाया, बरौनी रिफाइनरी का विस्तार किया गया, खाद कारखाना शुरू कर दिया गया। 380 करोड़ की लागत से 3 मेगा फूड पार्क बिहार के किसानों के लिए बनाने का काम, 13,000 करोड़ की पटना की रेलवे मेट्रो बनाई, 95 किलोमीटर तक फैले गरम जल सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाया गया, पटना के अंदर अहमदाबाद की तर्ज पर रिवर फ्रंट बनाने की शुरुआत। मेरे पास बहुत लंबी सूची है, मैं पढ़ने जाऊंगा तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़ेगी, मगर काम का मित्रों सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का। 15 साल तक ये बिहार के अंदर गुंडागर्दी चलती थी, माफियाओं का राज चलता था, अपहरण होते रहे, ट्रांसफर इंडस्ट्री चलती रही, ढेर सारे नेताओं की हत्याएं कर दी गई, कोई कुछ नहीं बोलता था। बिहार की जनता ने जंगल राज को उखाड़ कर फेंक जदयू और भाजपा का राज ला, नीतीश कुमार और सुशील मोदी बिहार की ड्राइविंग सीट पर आए, आज बिहार विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, जंगल राज का समाप्ति हो चुका है। और 5 साल सोने पे सुहागा हुआ, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार, नीचे नीतीश कुमार सुशील मोदी की सरकार, ये डबल इंजन वाली सरकार है, बिहार के विकास को तेजी से ले गई। मित्रों मैं आपको एक बार एक और 5 साल मोदी जी को दे दो, हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मित्रों अगर मैं आज आरा की जनता के सामने आया हूं, ये सारे काम करे हैं हमारे सांसद ने किए, हमारी सरकार ने किए, हमारे प्रधानमंत्री ने किए, मगर मेरे हिसाब से आप कोई काम के लिए सिंह साहब को वोट मत दे। मैं बताता हूं ये कोई काम के लिए वोट मत देना, मेरा प्रत्याशी है मैं बताता हूं, इनको वोट जरूर देना है, रिकॉर्ड मार्जिन से जिताना है, मगर वोट इसलिए देना है कि नरेंद्र मोदी ने देश को सुरक्षित करने का काम, प्रधानमंत्री बने। अभी पुलवामा के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला, हमारे 40 जवानों को मार दिया, 40 नौनिहाल शहीद हो, और मित्रों पूरे देश के अंदर गुस्सा हताशा निराशा रोष क्रोध कि अब क्या हो, और पाकिस्तान ने भी तनिक डर ले नहीं, सेना बिछा दी, टैंक बिछा दी, तोपे बिछा दी कि मोदी जी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक न करें, मगर मित्रों ये मोदी जी भी आरा की तरह 56 इंच की छाती वाला, पाकिस्तान ने सेना बिछा दी, टैंक बिछा दी, तोपे बिछा दी, मोदी जी ने वायुसेना को बुलाया, सुनो सुनो सुनो, मोदी जी ने वायुसेना को बुलाया, वायुसेना में घुसकर बालाकोट पर बमबारी करके
हाँ।